तो इसमें नेक्स्ट शीट में 55 नंबर शीट में क्वेश्चन में गिवन है R2, L, R1 और बैटरी। सबसे पहले वो कह रहा है कि X इज ज्वाइन टू Y फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो X और Y को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया काफ़ी देर के लिए। काफ़ी देर का मतलब स्टेडी स्टेट है, तो इंडक्टर का तो कोई रोल है नहीं, तो करंट क्या होगा इसमें, E डिवाइडेड बाई R1, तो करंट आ गया, मैक्सिमम करंट होगा उसमें। फिर वो क्या कह रहे हैं कि हमने X इसमें करंट क्या क्या था, E डिवाइडेड बाय R1 I नॉट, इसमें करंट था। फिर मैंने इमीडिएटली क्या किया, मैंने X को Z के साथ जोड़ दिया, ये देखो ऐसे, जब ऐसे जोड़ा तो उस केस में क्या निकालना है, टोटल हीट प्रोड्यूस क्या होगा R2 में। अब हीट प्रोड्यूस क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, हाफ L I नॉट स्क्वायर मैक्सिमम एनर्जी है, वो सारी की सारी बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो I नॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ गया। तो मैग्नेटिक एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लास्ट असाइनमेंट में था, हाफ इनटू टाउ इनटू पी का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये नॉन मेडिकल वाला का होमवर्क है, ग्रोथ ऑफ करंट पे है सारे क्वेश्चन, तो आप ये ट्राई करेंगे एक बार, ग्रोथ ऑफ करंट 7 से स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, एल और सी कनेक्टेड है, देखो एल और सी की प्रॉब्लम जब भी आएगी ना, वो एलसी ऑसिलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे ऑन करें, स्विच को दबा दें, मैक्सिमम करंट कितना जाएगा इस कैपेसिटर में ये बताएं। एल और सी के कॉन्सेप्ट में होता क्या था, एक बार एनर्जी कैपेसिटर के पास, एक बार इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी है कितनी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, वे क्यू इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो इसमें स्टोर होने वाला है मैक्सिमम, वो सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है, इंडक्टर में मैग्नेटिक की फॉर्म में, एनर्जी एल और सी में घूमती है, तो मैग्नेटिक की एनर्जी हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर हो जाएगी मैक्सिमम, इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई मैक्स निकाल लो आंसर, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा कैंसिल, आई मैक्स निकाल लेना आंसर। नेक्स्ट है 8th,
तो क्वेश्चन है, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज मेड डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर, फिर कैपेसिटर इंडक्टर फिर एलसी ऑसिलेशन है। वो कह रहा है जो चार्ज क्यू है कैपेसिटर में और करंट आई है इंडक्टर में वेरी साइनोसाइडली, साइनोसाइड का मतलब या साइन या कॉस की फॉर्म में चलता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइट। तो फेज डिफरेंस क्या होगा चार्ज में और करंट में? मेरे हिसाब से ये पहली लाइन गलत है, दूसरी लाइन ठीक है। हमने एलसी ऑसिलेटर में किया था, चार्ज कॉस से स्टार्ट होता है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो क्या है वन, तो क्यू क्या होगा क्यू नॉट, तो मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट, तो वह इंडक्टर को देगा। तो अगर चार्ज इसके इक्वल है और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें तो आंसर क्या आएगा, साइन में आएगा। गलत किया डिफरेंशिएट, चलो गलत किया सही किया कोई बात नहीं, पर साइन में आएगा कॉस के डिफरेंशिएशन, साइन कॉस में फेज डिफरेंस क्या होगा पाई बाय टू, आंसर ठीक। नाइन्थ में क्वेश्चन है, चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू रेजिस्टर आर विद टाइम कांस्टेंट टाउ, द टू आर नाउ प्लेस इन सीरीज अक्रॉस एसी सोर्स। तो पहले हमने क्या किया, कैपेसिटर और रेजिस्टर है टाइम कांस्टेंट टाउ और उसके बाद में सीरीज में लगा दिया आर और सी को, तो ओमेगा किसके इक्वल है वन बाय टाउ। देखो ओमेगा वन बाय टाउ क्या होता है, टाउ आर इंटू सी होता है अगर सीरीज आर और सी है। तो यहाँ से ऐसा करें R इज इक्वल टू वन बाई सी ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R इसका मतलब क्या आगे बने XC, बड़ी चलाकी से उसने बता दिया R XC के इक्वल है, घुमा घुमा के कि टाइम कांस्टेंट है जी टाइम कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूले से ये है इसका मतलब। अब सीरीज में लगा दिया है R और C को, तो क्या निकालना है, इम्पिडेंस निकालनी है, रही क्वेश्चन कुछ नहीं, इम्पिडेंस के अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, लेकिन एक्स सी किसके इक्वल है R, आंसर रूट टू R, समझ में आ रहा है वो इक्वेशन क्योंकि बने ताकि एक्स सी आर के इक्वल पुट किया जा सके, ठीक। नेक्स्ट शीट करते हैं, 56 करते हैं। 56 नंबर शीट का पहला क्वेश्चन मींस सेकेंड, यहां से इन अ कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है, एरिया रिस्पेक्ट टू टाइम टू डी ए बाई डी टी, एंड करंट बिकम्स वन एम्पियर फ्रॉम टू एम्पियर, तो डी आई भी गिवन है डी टी भी गिवन है, तो डी ए बाई डी टी गिवन है, डी आई गिवन है, डी टी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड बी भी गिवन है, तो एल निकालना है। तो क्वेश्चन ए सी का नहीं इंड्यूस डी एम एफ का है, इंड्यूस डी एम एफ के दो फॉर्मूले हमें आते हैं इंडक्टर में, एक माइनस एल डी आई बाई डी टी और दूसरा माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या होता है बी इंटू एरिया, बी इसमें कांस्टेंट है, एरिया इसमें चेंज हो रहा है, तो ये ई के दो फॉर्मूला आते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेट करके आपको इस क्वेश्चन में एल निकालना है, डी आई गिवन है, डी टी गिवन है, डी ए बाई डी टी गिवन है, बी गिवन है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। तो बेसिकली इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर लें, ठीक है यहाँ तक। सेकेंड क्वेश्चन मीन्स ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड,
तो क्वेश्चन है, करंट थ्रू 4.6 हेनरी इंडक्टर इज एज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 5 मिलीसेकंड टू 6 मिलीसेकंड क्या होगा? तो देखो, इसमें करंट बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, ये आपको गिवन है। काम करते हैं, यहाँ पर करंट कम हो रहा है, देख रहे हो, तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी निकालते हैं। डी आई क्या होगा इसमें 5 एम्पियर है और डी टी क्या होगा 6 माइनस 5। तो आपके पास क्या आ गया, डी आई बाई डी टी आ गया। इंड्यूस ई एम एफ निकालनी है, एल पता है, तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी आंसर आ गया। क्योंकि आपको आपका क्वेश्चन किस में करना है, 5 से 6 के बीच में करना है, 5 और 6 के बीच में डी आई बाई डी टी निकाल लो, जो कि नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव है। आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 200 रेडियंस पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है ये ओमेगा है क्योंकि इसके यूनिट्स क्या है, रेडियन पर सेकेंड। पीक वैल्यू इसकी 1 एम्पियर है, इज एज शोन इन अ फिगर, इज अप्लाई टू अ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। अगर कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिवन है, कैपिटल एम की वैल्यू गिवन है 1.5, तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी विल बी इक्वल टू व्हाट? तो सेकेंडरी की वोल्टेज क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें, देखो म्यूचुअल इंडक्शन गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक, आप इसमें ये देखो, या ऐसा भी लग सकता है इसमें, अगर आप ये फॉर्मूला लगा लें तो ज़्यादा आसान है, M क्योंकि गिवन है तो ये सही है, डी आई बाई डी टी। अब डी आई और डी टी क्या होगा, डी आई और डी टी के लिए काम करते हैं, यहाँ से ये ग्राफ देखते हैं, बस ये वाला, जब करंट जीरो से क्या हो गया 1 एम्पियर हो गया, कितनी देर में हुआ, देखो ये और ये एक साइकिल है, तो यहां से यहां का टाइम क्या है टी, ये आधा टाइम क्या है टी बाय 2, तो इससे छोटा टाइम क्या है टी बाय 4। तो यहां पे डी आई की वैल्यू हम क्या नोट करेंगे, 0 से 1 यानी कि 1, और डी टी की वैल्यू क्या नोट करेंगे, टी बाय 4, तो 1 डिवाइडेड बाय टी बाय 4। ठीक है, यहां तक ठीक? तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, तो डी आई बाई डी टी, तो ई एम एफ की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, तो 2π/ω, तो ये टाइम पीरियड को यहाँ पुट करेंगे, ई एम एफ की वैल्यू आएगी, आंसर आ गया। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, करंट इंक्रीज हो रहा है इंडक्टर में और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी नेगेटिव, तो इंड्यूस ई एम एफ का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यानी कि जब करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो ई एम एफ नीचे से स्टार्ट होगी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, और जब डी आई बाई डी टी नेगेटिव तो ई एम एफ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। याद है मैंने मार्क करवाया था, ये ऑप्शन देखते ही पता लगता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ,
क्वेश्चन है, व्हेन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कांस्टेंट ईएमएफ ई, इंडक्टर एल एंड रेजिस्टर आर आर इज क्लोज्ड, अ करंट इन इट इंक्रीजेज विद टाइम अकॉर्डिंग टू कर्व वन। वो कह रहे हैं जी मैंने एलसीआर लगा दिया सीरीज में, या जो भी लगाया सीरीज में लगा दिया एल और आर ईएमएफ के साथ, सॉरी सी नी एस में ई एल और आर है, तो करंट बढ़ना स्टार्ट हो गया, करंट ग्राफ नंबर वन के हिसाब से बढ़ रहा था, ठीक है केस नंबर वन। अब वो कह रहे हैं मैंने क्या किया, कोई एक पैरामीटर इनमें से चेंज कर दिया, या ई या एल या आर, बताऊंगा नहीं क्या चेंज किया, पर कुछ चेंज किया और करंट देखा गया ऐसे चेंज हो गया कर नंबर टू से, तो बोलो मैंने क्या चीज चेंज की, ये आपको बताना है, ठीक ये क्वेश्चन है। अब मेरे को एक चीज पता है कि आई और टी में नॉर्मली क्या निकलता है, या तो चार्ज निकलता है आई और टी का ग्राफ, या डी आई बाई डी टी से स्लोप निकलती है, तो इसकी स्लोप वन की स्लोप टू की स्लोप से ज्यादा है, तो जो ई एम एफ होती है ई वो क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो रेजिस्टेंस को, करंट के रेजिस्टेंस को कोई फर्क ना पड़ता, आप जितना मर्जी कोई चीज चेंज कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, डी आई बाई डी टी का रोल से सिर्फ एल चेंज हो सकता है। तो सोचो अगर मैंने ई एम एफ चेंज नहीं की, ई सेम है, ई क्या होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो एल क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका इंडक्टेंस कम होगी, तो वन की स्लोप ज्यादा है तो इंडक्टेंस इसकी कम होगी, तो यानी कि मैंने क्या चीज चेंज की, एल को बढ़ा दिया, एल टू ग्रेटर देन एल वन, ठीक। तो स्लोप से आपको चेक करना है और ज्यादातर क्वेश्चन इसमें इंडक्टेंस की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट का आंसर, क्वेश्चन है कि स्विच एस को हम बंद करेंगे तो इंडक्टर में ग्रोथ ऑफ करंट है, ग्रोथ ऑफ करंट में करंट कैसे इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली किया था हमने, पर ये ग्राफ करंट का डिक्रीज दिखा रहा है, गलत आंसर है, कांस्टेंट हो नहीं सकता, गलत आंसर है। ईएमएफ का ग्राफ देखते हैं, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर करंट ग्रो करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होती जाएगी, और स्टेडी करंट पे जाके इंड्यूस ईएमएफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर करंट ग्राफ एक्सपोनेंटली ग्रो करेगा इंडक्टर में तो ईएमएफ एक्सपोनेंटली कम हो जाएगी, तो ईएमएफ कम होती जाती है, इंड्यूस ईएमएफ कम होती जाती है, आंसर इसका, ठीक है यहां तक। ये क्वेश्चन गलत है, एट्थ क्रॉस कर लो, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर नहीं आएगा एट्थ का। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमने ऑलरेडी कर लिया, स्विच ऑन करते किसका करंट बड़ा छोटा, ये हमने ऑलरेडी किया है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी डन, पिछले असाइनमेंट के अंदर हमने कर लिया ये भी। क्वेश्चन नंबर 12,
इसमें क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट लेट आई वन बी द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। तो जैसे हमने इसे ऑन किया तो बैटरी में से आई वन करंट निकला, तो इंडक्टर क्या कहता है, मैं तो करंट पास होने दूंगा नहीं, तो करंट क्या होगा 10/10 वन एम्पियर। ठीक है, वन एम्पियर। अब टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इंडक्टर कहता है कोई चक्कर नहीं करंट पास करो, तो इंडक्टर को हटा दो, मतलब सोचो है ही नहीं, तो ये दोनों किस में है, ये दोनों जाएंगे पैरल में इसके साथ सीरीज में, तो करंट क्या होगा 10/ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आंसर आई टू आ गया, फिर रेशियो निकालनी है आई वन और आई टू की, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू द बैटरी अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड इज, बहुत देर के बाद स्टेडी करंट हो जाएगा, जब स्टेडी करंट होगा तो इंडक्टर का कोई रोल है नहीं, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे पैरेलल में, तो करंट क्या होगा E/R1/R2/R1+R2, आंसर। ठीक है आता, ये जो क्वेश्चन है ओनली फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल का क्वेश्चन नहीं है, मत करें, सिर्फ नॉन मेडिकल वाले देख लें। तो क्या क्वेश्चन है, इस सर्किट में हमने टी इज इक्वल टू जीरो पर स्विच को क्लोज किया, तो चार्ज विच पासेस थ्रू दी बैटरी इन वन टाइम कॉन्स्टेंट, तो टाइम के साथ करंट ग्रो करेगा, तो ग्रोथ ऑफ करंट की प्रॉब्लम है, तो ये करंट ऐसे ग्रो करेगा, पर आपको करंट नहीं निकालना, आपको चार्ज निकालना है। आई क्या होता है और आई नॉट क्या होता है, ई बाय आर, वो कैसे आएगा, बहुत देर के बाद स्टेडी करंट क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय सिर्फ आर, तो ये आई नॉट होगा। तो इसमें डी आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू क्या होगा, आई डी टी, इंटीग्रेशन इसलिए है क्योंकि करंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज, इंस्टेंटेनियस करंट है। आई की पूरी वैल्यू पुट करेंगे डी टी और इंटीग्रेट करेंगे टोटल चार्ज के लिए जीरो से टाइम कॉन्स्टेंट के लिए, तो अपने मैथ्स के स्किल दिखाओ और इंटीग्रेट करते जाओ, तो इसको इंटीग्रेशन करते जाओ और आंसर आ जाएगा आपके पास, मैथ्स में आपने की हुई इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा फिर इसका इतना ही काम था, तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेना आंसर। नेक्स्ट जो शीट है वो ना आरएमएस वैल्यू के ऊपर ही है, तो ये बेसिक क्वेश्चन ही हैं जितने भी इसमें हम कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर एक तो ये देखते हैं, ये सब क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, कोई खास वो नहीं है, ये देख लो नाइन्थ।
आउटपुट करंट इसके इक्वल है। देखो हमारा करंट ऐसा होता नहीं है, हमारा करंट नीचे भी जाता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल है। तो आपको एवरेज करंट निकालना है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर साइकिल, क्योंकि एवरेज करंट टी बाई टू के लिए निकलता है, तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरेज करंट हमने क्या किया था, टू अपॉन पाई इन टू आई नॉट, हमने भी तो हाफ साइकिल का किया था, ये भी हाफ साइकिल पूछ रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे है या ऊपर है, आंसर सेम ही रहेगा, कुछ करना नहीं है इसमें। नेक्स्ट आंसर इसमें गलत है, ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ये रिपीट क्वेश्चन है पिछली शीट का, मैंने बताया था इंडक्टर में अगर करंट ग्रो करेगा और फिर कम होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे जनरेट होगी, स्टार्ट विद नेगेटिव क्वाड्रेंट, नेगेटिव से स्टार्ट और फिर पॉजिटिव, ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। फेयर हमने किया नहीं है, आपको लेना देना नहीं है उससे, बस ये वोल्टेज और करंट है, बस ये वोल्टेज और करंट, ये दोनों वोल्टेज ही हैं मेरे ख्याल से, हाँ दो वोल्टेजेस हैं, एक वोल्टेज एम है और एक वोल्टेज एन है, जो एम है वो ये है, ये ऐसे, तो ये जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये साइन फंक्शन है, एम साइन में ग्राफ बनेगा, और जो एन है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है इंडक्टर की तरह, और इंडक्टर में ये क्या बनेगा, माइनस कॉस बनेगा, याद है हमने फेजर याद किए हुए हैं, पर इसमें मतलब है तो ये वोल्टेज ही थी, करंट नहीं है ये कोई इंडक्टर की तरह बोल रहा हूँ, इंडक्टर नहीं है इसमें, बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसे कर लो, अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो साइन है, और नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो वो कॉस माइनस कॉस है, तो दो वोल्टेज हैं, एक साइन में एक माइनस कॉस में, आपको इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक काम करते हैं, कोई भी एक वेव फॉर्म ले लो, ये कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी 0.4, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या है, फ्रीक्वेंसी, आंसर आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का। फिर आपको ये बताना है कि दोनों वोल्टेजेस में फेज डिफरेंस कितना है, और फेज लीड ऑफ एन ओवर एम, तो एन वो कह रहा है कि लीड कर रही है और एम कितने एंगल से लीड कर रही है। अब एक बात बताओ, एम लीड कर रहा है या एन लीड कर रहा है, डायग्राम के हिसाब से तो एम यहां से स्टार्ट हो रहा है और एन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इसमें क्या बताना है कि लीड एन की बतानी है आपको, एन क्या लीड कर रहा है एम से, ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि एन तो लीड ही नहीं कर रहा, एन तो उल्टा लैग कर रहा है, क्योंकि ये वेव फॉर्म आगे चल रही है, ये फॉर्म अभी पीछे चल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट अभी पीछे है, इसने तो यहाँ पर भी आना है, तो इसीलिए ये पता है कि साइन और कॉस में फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है, पर यहाँ पर प्लस पाई बाई टू नहीं, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू, माइनस का मतलब क्या कर रही है, लैग कर रही है, एन एक्चुअल में लैग कर रहा है, लीड नहीं कर रहा, अगर लीड कर रहा होता तो प्लस पाई बाई टू, लैग कर रहा है तो माइनस पाई बाई टू, ग्राफ पीछे है वो लैग कर रहा है, आगे है वो लीड कर रहा है, ठीक है, वेवफॉर्म आगे आगे स्टार्टिंग पॉइंट आगे है वो लीड कर रहा है, पीछे लैग कर रहा है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें वो कह रहा है प्योर इंडक्टर है, हमने प्योर इंडक्टर में वोल्टेज जीरो से स्टार्ट की थी और करंट माइनस कॉस से स्टार्ट किया था, नीचे से एनसीईआरटी में, वो कह रहा है जी मेरी वोल्टेज ऊपर से स्टार्ट हो रही है, कॉस फंक्शन है, तो करंट तो पक्का साइन फंक्शन होगा ही होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक, तो जीरो से स्टार्ट होगा, आपको कि जीरो तो ये भी है, अब आपको ये भी देखना है कि करंट लीड कर रहा है या करंट लैग कर रहा है, तो इसमें वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है, करंट इसमें लैग कर रहा है, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि वोल्टेज का जो फंक्शन है V की वैल्यू है इसमें वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो V की वैल्यू क्या लिखेंगे, V नॉट इनटू कॉस ऑफ कितना, ओमेगा टी, कॉस फंक्शन लगाएंगे, तो इंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या होता है, जो भी वोल्टेज है उससे क्या होता है, पीछे होता है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय टू, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक,
करंट जो पीछे होगा वेन एंगल ऑफ पाई बाई टू, ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें ये कॉस फंक्शन है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई नॉट इन टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, और कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है साइन, मेरे ख्याल से गलत आंसर मार्क हो गया, हाँ ठीक हुआ है, साइन का ग्राफ बन गया ना, ठीक हुआ है, साइन का ग्राफ मार्क हो गया, राइट। तो मैथमेटिकली बता दिया कि कैसे सोच रहे हैं, तो आपको एक फंक्शन पता है तो दूसरा तो माइनस पाई बाई टू या प्लस पाई बाई टू से कैलकुलेट हो ही जाएगा। और मेडिकल के लोग समझ लें, आप सोच रहे होंगे कि उल्टा किया तो माइनस साइन कॉमन आना चाहिए था, शायद मेडिकल लोग ऐसे सोच लेते हैं, लेकिन कॉस है, कॉस के अंदर ऐसा लिखें या ऐसा लिखें एक ही आंसर आता है, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कॉस के लिए, साइन और टेन के लिए नहीं, अगर ये साइन होता तो माइनस कॉमन आता, ठीक। बाकी तो ग्राफ की वेरिएशंस हमने ऑलरेडी की हुई हैं, ये सब किया हुआ है, कुछ नहीं करना इसमें।